इसमें ना साफ साफ लिखा है कि धामी कपूर और आरव ओसवाल की शादी हो चुकी। इसमें डेट भी मेंशन्ड है, अच्छे से देखना। ये शादी ना तब हुई थी जब आरो यूएस से इंडिया लौट रहा था, उससे पहले। वो नहीं था तुम्हारी फेक घूंघट वाली शादी, उससे भी बहुत पहले। संध्या जी, ये क्या बोल रही है? बड़ी माँ, देखिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो आपके घर की बहू हूं मैं, तो आप सबको ना एक एक कॉपीज तो भेज ही दूंगी, इतना तो कर ही सकती हूँ। आफ्टर ऑल यू ऑल आर माय बिलव्ड ओसवाल फैमिली। अब तो आपको विश्वास आ गया ना बड़ी माँ, और तुम्हें इतना बोल रही थी कब से, आ गया ना अब तो विश्वास तुम्हें भी कि मैं ही हूं आरव की जिंदगी की पहली औरत और सिमर दूसरी। ओह, सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया तुम्हारे? ही इज माई हस्बैंड नाउ, सो बेटर स्टेप बैक, बिहेव योर सेल्फ सिमर। भाई, हरिजी बस एक बार बता दीजिए कि क्या सच, मुझे आपके मुंह से जानना। आरव जी बोल दीजिए कि ये सब गलत है, बस एक बार। सिमर प्लीज, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरा आरव कभी झूठ नहीं बोलता, और वैसे भी यही सच है, ये लीगल डॉक्यूमेंट भी तुम्हारे सामने। चुप, एकदम चुप। मैं अपने पति अपने आरव जी से बात कर रही हूं तो एक शब्द नहीं बोलोगी तुम? आरव जी बस एक बार बता दीजिए क्या सच, अब जो बोलेंगे मैं मान लूंगी। आरव जी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक बार कुछ तो बोलिए। आरव जी आपकी चुप्पी मुझे ऐसे ही मार डालेगी, प्लीज कुछ बोलिए। आरव, ये लड़की क्या बोले जा रही है? हाँ, सच क्या है बताओ हमें। आरव बोल दो, बोल दो, ये सब झूठ है, प्लीज आरव बोल दो ना, बोल दो ये सब झूठ है। अरे भाई ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कह दीजिए ना ये सब गलत है, कोई गलती हो गई है, बोलिए ना कुछ। आरव जी बोलिए, क्या ये लड़की सच कह रही है? सिफास, आरव कुछ कह क्यों नहीं रहा है, बोलो ना उसे कुछ बोलने के लिए। आरव जी मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखिए। आरव जी बताइए क्या सच,
आपकी इस लड़की से शादी हुई है या नहीं? हाँ ये सच है, हमारी शादी हो चुकी है। सच बोलने का इतना बड़ा इनाम बड़ी माँ, आपके इस घर में सच को भगवान समान माना जाता है। लेकिन ये सच नहीं है ना? यही सच है। अब और कितने सबूत चाहिए आपको? अब तो आरू ने भी ट्रुथ एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी आपके इस ओसवाल परिवार में सच को सबसे ऊपर माना जाता है ना, तो फिर बस निकालिए इस दूसरी औरत को यहाँ से। हारू इस नॉन एंटिटी को निकाल दो यहाँ से, क्योंकि मैं किसी भी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारे बीच में। बस बहुत हो गया ये सिमर का। खड़ी क्यों है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? और कितने सीन क्रिएट करोगी यहाँ पर? जितनी भी बची कुची इज्जत है ना तुम्हारी, उसे समेटो, गैदर योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ए लड़की, इस घर में ऊंची आवाज में बात करने का हक सिर्फ हमें है। आरू, कम एंड लेट्स जस्ट लीव हर फॉर द गॉड। खबरदार, जो तुमने एक भी कदम उठाया तो ना हमने तुम्हें अपनाया है और ना ये घर तुम्हें कभी अपनाएगा। इस घर की हवाओं में, इस घर की मिट्टी पर सिर्फ सिमर का नाम लिखा है। इस घर की एक एक ईंट पर, इस घर के दरवाजे खिड़कियों पर सिमर की छाप है। तो अगर ये घर किसी का ससुराल है तो वो है ससुराल सिमर का। तुम इसे रम्मे तो क्या, अगले 100 जन्मों में भी सिमर की जगह नहीं ले पाओगी। बड़ी माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ना जाने मेरी बेटी की तकदीर में क्या लिखा है। कुछ नहीं हुआ प्रोफेसर साहब। आपकी बेटी सिमर अपने ससुराल में है और अपने ससुराल में ही रहेगी। माँ ठीक कह रही है सिमर बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर और ये ससुराल तुम्हारा है। हम पहले ही तुम्हें खो चुके थे, अब नहीं बेटा, तुम यही मेरे पास रहोगी।
आखिर से इस धोखेबाज को इस घर से निकालने में इतनी मुश्किल हो रही है, वो भी इस धोखेबाज के साथ यहां से रफा दफा हो सकता है। आरव, सिर्फ सिमर का ही नहीं, इस बार तुमने अपनी बड़ी मां के भी गुरूर की धज्जियां उड़ा के रख दी। तुम चले जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारे घर, हमारे परिवार में झूठे और धोखेबाज लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और जाते जाते इस बाहर की गंदगी को भी अपने साथ बाहर ही लेते जाना। जाओ। जी, इन दोनों का सामान लेकर आओ अभी इसी वक्त। हमारी सोने सी खरी बेटी का दिल तोड़ने वाले की इस घर में कोई जगह नहीं है। जो मेरी बेटी का नहीं वो इस घर का भी नहीं। कौन हो? क्योंकि हमारा हरव तो घर वालों की खुशियां, घर वालों की इज्जत, अपने खानदान की मर्यादा, अपने सिमर के मान सम्मान को सर माथे पर रखता है। क्योंकि हमारे सामने जो खड़ा है वो तो एक बुज़दिल, कमजोर और धोखेबाज इंसान है। तुम हमारे आरव नहीं हो सकते। तुम चले जाओ यहां से। तुम हर सुन लिया देखा। चलो चलते हैं यहां से। इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर से वहीं लौट चलते और अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसाते जिसमें सिर्फ तुम और मैं। It's just gonna be us. चलो यार। हमें अपनी सिमर के विश्वास पर विश्वास है, इसीलिए तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। जब बड़ी मां ने कह दिया तो उनकी बात कैसे टाल सकते हैं, है ना आरू? चलो लेट्स गो टू आवर होम। वैसे भी बहुत फैमिली ड्रामा हो गया आज, वेरी टायर्ड। चले आरु।
तुम मेरा रूम खाली करो। आधा घंटा दे रही हूं तुम्हारी कोई भी चीजें वहां नजर नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुद तुम्हारी सारी चीजें उठाकर फेंक दूंगी। सो प्लीज बी गुड टू योरसेल्फ। चले बेबी।